Now we are going to start the grouping of capacitances. Grouping means series combination or parallel combination. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मिक्स हो. तो हम ले रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. भाई एक बहुत जरूरी बात जो बच्चे ध्यान ही नहीं रखते हैं और फिर दूसरे तरह के सवालों में गलती कर जाएंगे. जो भी फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे छांटने होते हैं. फॉर्मूले फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस आर वैलिड ओनली इफ all the capacitors were initially uncharged, all the capacitors were initially uncharged before connection, before series or parallel connection, जो भी आपने connection लिया है, यूं कहें बिफोर सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग एंड वर चार्ज्ड ओनली आफ्टर ग्रुपिंग. ग्रुपिंग करने के बाद, सीरीज पैरेलल करने के बाद ही आपने उन पे बैटरी लगाई है, उससे पहले उनको चार्ज नहीं किया था. एक बहुत जरूरी बात है. कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में इन बातों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं या कभी आई नहीं होती हमारे सामने इस तरह की बात. परंतु ये गलती कहाँ कर देगी, जहाँ पहले से चार्ज करके कैपेसिटर को और फिर सीरीज या पैरेलल में लगाया जाएगा तो ये तरीका नहीं लगेगा जो सीक्वेलेंट का हमारा मेथड होगा. तो इस बात को ध्यान में रखना, मैंने इसीलिए आधा बोर्ड इसी में भर दिया है ताकि ये बात याद रहे. अब मैं आपको समझाता हूँ कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर हम चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे. सबसे पहले हम लेके चलते हैं सीरीज ग्रुपिंग. सीरीज ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि कैपेसिटर बैटरी लगाने से पहले अनचार्ज थे और इस तरह लगाए गए एक के आगे एक. मतलब कि अगर मैं किसी C1 कैपेसिटर से C2 की तरफ जाऊं इस वायर से होते हुए तो मुझे बीच में कोई ब्रांच ना मिले. C1 से C2 जाते समय बीच में बस एक कनेक्टिंग वायर मिले, यहां पे कोई ब्रांच बीच में नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में होते हैं. अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं. पहले ये अनचार्ज है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपने एक बैटरी लगा दी. पहले अनचार्ज है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपने एक बैटरी लगा दी और ये जो बैटरी है, मान लो कुछ V वोल्ट की ये बैटरी आपने यहां लगाई. अब मुझे निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि अगर इन दोनों ने मिलके इस बैटरी में से क्यों करंट खींचा था, ऐसे क्यों चार्ज. देखो पूरे सर्किट में एक लूप में एक ही करंट फ्लो करेगा, अगर बाहर कोई ब्रांच नहीं है तो एक ही चार्ज फ्लो करेगा, करंट नहीं. अगर इन दोनों ने मिलकर क्यों चार्ज खींचा है, ये ए है ये बी है, तो मैं अगर इसी बैटरी को एक अकेले कैपेसिटर के पास लगा दूं, उसको मैंने बोला है सी इक्विवेलेंट, और अगर वो भी इस बैटरी से सेम उतना ही चार्ज खींच लाए तो वो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है. कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू सी इक्विवेलेंट की, अब केवीएल लगाओ, सिंपली केवीएल लगाओ. देखिए ये क्यू चार्ज चल के आया, यहां से क्यू आया, पूरे एक लूप में सेम चार्ज फ्लो करेगा अगर बीच में कोई और ब्रांच नहीं है तो. ऐसा ही कुछ इसमें होगा, ये क्यू चार्ज चल के जा रहा है
एक लूप में सेम चार्ज चलता रहेगा इस तरह से, ये आपका क्यू चार्ज चला। अब मैं केवीएल लगाऊं तो हमने सीखा, देखो यहां चार्ज आया है न्यूट्रल चीज पे, न्यूट्रल चीज पे क्यू चार्ज चल के आया है तो ये प्लस क्यू हो गया, और न्यूट्रल में से क्यू निकला है तो इस पे हो गया माइनस क्यू। अगेन न्यूट्रल पे क्यू चार्ज चल के आया प्लस क्यू, और न्यूट्रल में से निकला है तो माइनस क्यू, यानी कि एक प्लेट पे क्यू चार्ज आएगा एक पे माइनस क्यू, तो चार्ज स्टोर्ड इस पे भी क्यू है और चार्ज स्टोर्ड इस पे भी क्यू है। न्यूट्रल प्लेट थी इधर से क्यू चार्ज आया, न्यूट्रल प्लेट है वहां से क्यू निकला तो जीरो में से क्यू निकला तो माइनस क्यू हो गया, न्यूट्रल प्लेट पे क्यू आया तो प्लस क्यू हो गया, और न्यूट्रल में से क्यू निकला तो माइनस क्यू हो गया। अब मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंसेस। कैपेसिटर में हमने पढ़ा जो पॉजिटिव प्लेट है वो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट है लो पोटेंशियल, और बीच में होता है क्यू बाई सी में, इसको हटा देता हूं, मैंने नो ब्रांच मतलब ये दिखाया था कि ये सीरीज में है। यहां भी अगर देखेंगे तो प्लस माइनस क्यू बाई सी, और ये बैटरी है तो माइनस प्लस वी, आपने सब कुछ लिख लिया। और अब आप इसमें केवीएल लगा दीजिए, मान लो मैं इसे लूप नंबर वन दू, अभी लिखेंगे केवीएल की इक्वेशन, एक बार उधर और चलते हैं, ये बैटरी है तो प्लस माइनस और वी, और यहां देखोगे तो ये प्लस ये माइनस एंड क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट, ये आपका होगा क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट, क्लियर। अब मैं दोनों में घूम के केवीएल लगाऊंगा, एक बार इसमें एक बार उसमें, इसको मैंने लूप नंबर टू बोल दिया। अब मैं भाई वो ऊपर वाला एरिया साफ कर रहा हूं, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये जो सी इक्विवेलेंट के फॉर्मूले आएंगे ये केवल तभी वैलिड हैं जब कैपेसिटर पहले से अनचार्ज है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। हम आपको वो भी सिखाएंगे अगर पहले से चार्ज कैपेसिटर आए तो फिर कैसे किया जाता है। अभी आप देखो केवीएल इन लूप वन, पहले लूप में आपने केवीएल लगाया, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का वी, घूमते रहो, अगली एंट्री प्लस से तो माइनस क्यू बाई सी वन, दिस वाज सी वन एंड दिस वाज सी टू, अगली एंट्री फिर से प्लस से तो माइनस क्यू बाई सी टू, तीन ही एलिमेंट थे वापिस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू जीरो। अगर आप केवीएल लगाते हैं लूप नंबर टू में, अगर आप केवीएल लगाते हैं लूप नंबर टू में तो इसको समझिए, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का भी, और अगली एंट्री प्लस से तो माइनस का क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट, और वापिस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू जीरो। मुझे कुछ कंपेयर करके सी इक्विवेलेंट लाना है, तो अगर मैं यहां देखूं तो v बराबर आया q बाई सी इक्विवेलेंट, और यू कैन से v बाई क्यू इज कमिंग आउट टू बी वन अपॉन सी इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर टू इधर के लिए। अब मैं इधर आता हूं, इसमें अगर आप देखते हो तो v बराबर आया q, उधर जाके कॉमन आएगा वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, यानी कि v बाई क्यू आपका आ गया वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू, इक्वेशन नंबर वन। मैंने दोनों में केवीएल लगा के और वी बाई क्यू कंपेयर कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब ये बोला कि अगर वी वोल्ट की बैटरी से क्यू चार्ज खींचता है तो वो अकेला भी क्यू भी चार्ज खींच लाएगा उस बैटरी से। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। तो ये ध्यान रखना, जो आप टेंथ में रेजिस्टेंस के फॉर्मूले याद करते हैं उससे अपोजिट ये रिजल्ट आता है। रेजिस्टेंस के जो आप फॉर्मूले याद करते थे उनमें तो होता था आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू सीरीज में, यहां बना है वन अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। अब इसके और रिजल्ट हम संभालते हैं कि यहां से क्या क्या और बन के सामने आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो पहला रिजल्ट, इसे अगर मैं दो तक ही रखता हूं तो आप एलसीएम लेके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा। दूसरी बात, इन जनरल अगर एन कैपेसिटर सीरीज में है तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस कंटिन्यूड अप टू 1 अपॉन सी एन। तो अगर एन के बेस्ट ऑफ, ये जल्दबाजी में कभी रजिस्टर वाला फॉर्मूला मतलब लगा देना कि सीरीज में सीधा ऐड कर दिया, रेसिप्रोकल लेके करना होगा और जब ये सोल्व हो जाए तो लास्ट में अगर फिर से रेसिप्रोकल लेना ताकि आप सी इक्विवेलेंट निकाल पाओ, ध्यान रखना इन बातों का। अब इसमें ये इस तरह का फॉर्मूला है कि जो सी इक्विवेलेंट आएगा जो इंडिविजुअल है उनमें सबसे छोटे से भी छोटा आएगा, जो भी सी इक्विवेलेंट आना है जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं तो सबसे छोटा उससे भी छोटा आएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी पार्ट में यूं दो कैपेसिटर दिखा रखे हैं आपको, यह है 6 माइक्रोफेराड और यह है 3 माइक्रोफेराड, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आपको सी इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में, तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी ये वाला यूज कर लो, 6 × 3 C1 C2 अपॉन C1 + C2। आप देख सकते हैं ये आया 2 माइक्रोफेराड, 6 और 3 से छोटा, जो सबसे छोटा था 3 उससे भी छोटा। यानी कि सीरीज का जो फॉर्मूला है वो इस तरह का फॉर्मूला है कि जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस वैल्यू है, उससे भी छोटा आएगा। तो इसको अगर हम जस्टिफाई करें इस चीज को, मान लो चलो बोर्ड एग्जाम में ही आ जाए, सिंपली भाई बिल्कुल आ सकती है इस तरह की बात कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट सी सीरीज का मतलब आप समझ गए हैं इज लेस देन मिनिमम ऑफ C1 C2 up to CN। ये सवाल आ जाए बोर्ड एग्जाम में, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। तो आप ऐसा तो करके आ नहीं सकते कि लो भाई एक देख लो जी, एक 6 ले लिया, एक 3 ले लिया, 2 आ गया जी, देख लो जी 3 से छोटा आ गया। और ये थोड़ी होता है, ये तो आप जस्ट वेरीफाई कर रहे हो। हम प्रूव कैसे करें इस चीज को? पहला काम ये देखिए कि किस तरह से प्रूव होगा। आपका फॉर्मूला आया 1 upon C equivalent = 1 upon C1 + 1 upon C2 continued up to 1 upon CN। इनमें से कोई भी एक मिनिमम होगा, कोई भी एक, लेट C1 बी द सी मिनिमम, भाई कोई भी हो सकता है, मैंने C1 मान लिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, डिवाइडिंग नहीं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई C1, दोनों साइड आपने C1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना C1 upon C equivalent, C1 upon C1 1 C1 by C2 C1 by C3 continued up to C1 by CN। अब देखो C1 upon C equivalent, C1 आपने माना है C minimum, तो C1 upon C equivalent को मैं बोल सकता हूं कि ये होगा C minimum divided by C equivalent बराबर 1 plus, ये क्या है, ये कुछ भी हो, 1 plus a positive value, भाई ये 0.1, क्योंकि C1 सबसे छोटा है, C2 थोड़ा बड़ा, 0.1, 0.2, 0.7 कुछ हो, एक पॉजिटिव वैल्यू है, दिस इज 1 plus a positive value। अब 1 plus a positive value is also a positive value, 1 plus positive value is also a positive value, यानी कि ये जो पूरा नंबर है दिस इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास आ गया सी मिनिमम अपॉन सी इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए आप, हमारे पास आया सी मिनिमम अपॉन सी इक्विवेलेंट का मतलब है सी सीरीज दिस इज ग्रेटर देन 0, बट सिंस एक में कुछ ऐड होके आ रहा है तो वी कैन से दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। एक में कोई पॉजिटिव वैल्यू जुड़ के आ रही है, 1.2, 1.3 हो जाएगा पूरा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन 1। एंड यहां से हम कह सकते हैं कि सी मिनिमम इज ग्रेटर देन सी सीरीज, और यू कैन से सी सीरीज इज लेस देन सी मिनिमम। क्लियर? मतलब अगर कहीं बोर्ड एग्जाम वगैरह में आपको प्रूव करना पड़ जाए तो ये इस तरह से प्रूव करना चाहिए। कई बार क्या होता है, इतनी सी बात ही प्रूव करने में दिक्कत आ जाती है एग्जाम में, हम ये तो सोच लेते हैं हाँ भाई आगे छोटा, लेकिन दिखाएं कैसे, तो ये थोड़ा सा एल्जेब्रिक काम था, आपको आना चाहिए।
अच्छा, अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के सभी रिजल्ट्स की तरफ चलता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो मैं देख रहा हूं यहां कैपेसिटर में, उनसे क्या क्या रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं। पहला रिजल्ट तो ये हो गया, जनरल मैंने कर दिया। दूसरा रिजल्ट देखो, चार्ज स्टोर्ड सेम है, क्यों माइनस क्यों का मतलब इस पे भी क्यों चार्ज है और इस पे भी क्यों चार्ज है। सेकेंड रिजल्ट ये कहता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज स्टोर्ड है ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। यानी कि अगर आपको Q1:Q2 लिखना हो तो सिंपली वो रेशियो आएगा 1:1। सीरीज में बड़ा ध्यान रखना इन चीजों का कि चार्ज स्टोर्ड सेम है। कैसे, जैसे मान लो कई बार ना यूं अटका दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तीन तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं सीरीज में, तीन तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं सीरीज में, नीचे कोई बैटरी लगा रखी है। सपोज कीजिए ये 6 ओम तो रजिस्टर होते हैं, 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड। मान लीजिए ये आपको तीन वैल्यूज दी गई इस क्वेश्चन में और बैटरी दी है 10 वोल्ट की। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ लेते हैं, ये पहला रिजल्ट मैं ऊपर से हटा रहा हूं, किसी एक पे पूछ लेंगे, किसी एक पे। जैसे इसमें पूछा कि फाइंड चार्ज स्टोर्ड ऑन, किसी पे पूछ लिया 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, बीच वाले पे पूछ लिया। अब बच्चे आधी बार इस चीज से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला यार टोटल तो मैं निकाल दूंगा, टोटल तो मैं इसका सही इक्विवेलेंट निकाल के निकाल दूंगा, पर तो बीच वाले पे कैसे निकालूं। अरे भाई इससे फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में तो सब पे चार्ज सेम रहेगा, सब पे। आप पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, आप पहले इन तीनों का सी इक्विवेलेंट निकालो। कैसे, 1/C = 1/6 + 1/3 + 1/2, एलसीएम आया 6 1 + 2 + 3, 6/6 मतलब 1। अब 1 का रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी 1 आ गया, तो C इक्विवेलेंट कितना आया, 1 माइक्रोफेराड। यानी कि इन तीनों को रिप्लेस करके मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, केवल एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड का, और मैंने नीचे से बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। अब सीधा है ये 10 वोल्ट पूरी वोल्टेज इसके पास आ रही है, तो जो चार्ज स्टोर्ड है क्यों, उसका सीधा फॉर्मूला है C equivalent × V, C equivalent 1 माइक्रोफेराड × 10 वोल्ट, तो ये आ गया 10 माइक्रो कूलम। अब ये C फॉर कूलम है ना कि कैपेसिटेंस। अब चार्ज स्टोर्ड टोटल आ गया 10 माइक्रो कूलम, तो ये बात गांठ मान लो कि सीरीज में जो आ गया वही सब पे है, ना तो इसका 3 टाइम्स कर देना, ना इसका 1/3 कर देना। कई बार बच्चा क्या सोचता है, लो भाई 1/3 कर देते हैं इस पे, या कोई और ही रेशियो बांटने लग जाता है। सीरीज में चार्ज स्टोर्ड सेम होगा, जैसे क्वेश्चन में तो लिखा था, क्वेश्चन में तो लिखा था 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, उसका भी आंसर 10 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोफेराड का भी आंसर 10 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोफेराड का भी आंसर 10 माइक्रोकूलम। इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कैपेसिटर में तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, खासकर सर्किट वाले। एक होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक पार्ट, इलेक्ट्रोस्टेटिक पार्ट में तो डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, वो सब अलग है। सर्किट पार्ट के क्वेश्चंस तो सीरीज पैरेलल और इनसे आसानी से हो जाते हैं, अगर आप सिली मिस्टेक्स ना करें तो। तो ये दूसरा रिजल्ट भी आपको समझ में आ गया है कि चार्ज सेम होता है सीरीज में। अब मैं चलता हूं तीसरे रिजल्ट की तरफ, थर्ड रिजल्ट देखो आप सीरीज में, तीसरा रिजल्ट कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज ग्रुपिंग वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस की डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। चार्ज तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो सेम था। वोल्टेज देखो, पहला C1 है, उसके पास ये डायग्राम आपको दिख रहा है, पहले के पास वोल्टेज है Q/C1
और दूसरे के पास वोल्टेज है क्यू बाई सी टू। तो अगर आप वी वन इज टू वी टू करोगे, वी वन इज टू वी टू, तो दैट इज क्यू बाई सी वन इज टू क्यू बाई सी टू, यानी कि वन बाई सी वन इज टू वन बाई सी टू, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सी टू इज टू सी वन, यानी कि इनवर्स रेशियो में। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, उनकी कैपेसिटेंस का जो इनवर्स रेशियो होगा उसमें ये वोल्टेज डिवाइड होगी, क्लियर। और अगर जनरल हो एन हो, जैसे वी वन इज टू वी टू बराबर सी टू इज टू सी वन आ गया, सीरीज की बात चल रही है अभी, पैरेलल नहीं, पहले आप सीरीज वाला सीख लीजिए ढंग से इस लेक्चर में। इन जनरल वी वन इज टू वी टू चलता रहे अप टू वी एन, आप ऐसे नहीं लिखना है सी एन इज टू सी एन माइनस वन, पर यूं उल्टा स्टार्ट कर दो, ऐसे उल्टा मत स्टार्ट कर देना, वन बाई वाला रेशियो लेना है, वन बाई सी वन इज टू वन बाई सी टू इज टू कंटिन्यू अप टू वन बाई सी एन, वन बाई सी वन वन बाई सी टू अप टू वन बाई सी एन। अब इसमें देखें, जैसे मान लो वही मैं क्वेश्चन लू सिक्स और थ्री वाला, आपने ये लिया था सिक्स माइक्रोफेराड, ये है थ्री माइक्रोफेराड, सपोज आपने बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की, आपको ये बताना है कि किसके पास कितनी वोल्टेज आएगी, तो बटेगी वोल्टेज, सीरीज में वोल्टेज बटेगी, किस तरह बटेगी, इसको मैंने C1 बोल दिया और इसको C2, यहां वोल्टेज आई V1 प्लस इधर है और यहां वोल्टेज आई V2, तो V1 is to V2, दो में तो सीधे लिखो C2 is to C1, C2 is to C1 का मतलब है 3 is to 6, 3 is to 6 मतलब 1 is to 2, 1 is to 2 में कैसे डिवाइड करना है, 1 is to 2 पहले सम कर लो 3, तो नीचे जो वोल्टेज आपने लगा रखी उसके 3 हिस्से करके एक हिस्से 1 को दे दो और दो हिस्से 2 को, तो आपने 10 के 3 पार्ट्स किए, तो 10 बाई 3 वोल्ट, उसका एक पार्ट इसको दे दो और दो पार्ट इसको, मतलब V1, V1 तो आपका आया 10 बाई 3 वोल्ट, एंड V2, V2 आपका आएगा 20 बाई 3 वोल्ट, और दोनों जुड़ के 30 बाई 3 यानी कि 10 हो रहा है। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके पास वोल्टेज कम आके रुकी है, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके पास वोल्टेज ज्यादा आके रुकी है। ये वोल्टेज निकालने का तरीका कि कैसे सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है। अच्छा, अगर चार्ज आपने पहले निकाल रखा है, जैसे वो क्यू जो अभी आया था इस केस में, मान लो 6 और 3 का 2, सपोज कीजिए 6 और 3 का इक्विवेलेंट बनेगा 2, और क्यू बराबर सीवी से, क्यू बराबर सीवी से 20 माइक्रो कूलम चार्ज आया, 20 माइक्रो कूलम, तो 20 इस पे होगा 20 इस पे। अब आप अलग अलग वी वन वी टू निकाल सकते हो, इस पे हो जाएगा 20 बाई 6 क्यू बाई सी, 20 बाई 6 मतलब 10 बाई 3, माइक्रो से माइक्रो कट लेगा, यहाँ हो जाएगा 20 बाई 3, सीधा ये 20 बाई 3 वोल्ट। शायद मैंने ये जो वर्बली अभी बताया बिना लिखे वो आपको मेथड समझ में आ रहा होगा, कि सबसे पहले आप टोटल चार्ज फ्लो निकालो सी इक्विवेलेंट से, फिर क्यू बाई सी वन इस पे कर दो, क्यू बाई सी टू इस पे, ये भी आपका एक वोल्टेज निकालने का तरीका है। और मान लो आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर आए सीरीज ग्रुपिंग में, एक आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सीरीज ग्रुपिंग में एक आखिरी पॉइंट, अगर मान लो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सपोज ये पहला कैपेसिटेंस सी नोट, अगला कैपेसिटेंस सी नोट, ऐसे ऐसे चलते रहे, एंड लास्ट वाला कैपेसिटेंस सी नोट, और ये टोटल एन कैपेसिटर्स हैं, ये ए है और ये बी है। अब देखिए, मैंने बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई की, बाद में ये बात मैं बार बार बोलता रहूंगा, कनेक्शन करने से पहले, ग्रुपिंग करने से पहले ये सारे अनचार्ज थे, और बाद में आपने वोल्टेज लगाया है तो ही आपका सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। हम ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जिनमें पहले से चार्ज कैपेसिटर होंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले ये चीजें सीखें। तो वन बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1 by C naught plus 1 by C naught ये चलता रहेगा n टाइम्स, तो 1 by C equivalent आया n टाइम्स 1 by C naught, और अगर आप यहां से रेसिप्रोकल लेंगे तो C equivalent आ गया C naught by n। भाई ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और सारे के सारे सीरीज में लगे हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और सारे के सारे सीरीज में लगे हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाता है C नॉट बाय L। और वोल्टेज वैसे तो इनवर्स रेशियो में बटनी थी, बट C नॉट इनवर्स रेशियो 1 by C naught 1 by C naught, तो अगर आप V1:V2:Vn करें, 1 by C naught 1 by C naught 1 by C naught, तो सारे कट गए, तो 1:1:1 चलता रहेगा, यानी कि सब में बराबर बटनी है। तो इसके n इससे कर दो, n इससे करने का मतलब है यहां भी V/N होगी, यहां भी V/N होगी, एंड लास्ट वाले में भी V/N होगी। अच्छा, C इक्विवेलेंट आपका आया C0/N, कम हो गया ये, तो जो चार्ज फ्लो आएगा Q, दैट इज C इक्विवेलेंट इनटू V, तो C0/N इनटू V, तो हर एक पे यही चार्ज आना है, और ऐसे Q बराबर CV आप यहां से भी लगा सकते थे, तो भी यही चार्ज आएगा C0/V। तो ये आसान सा केस था कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में काफी बार ये इनफाइनाइट सीरीज बना के दे देते हैं, जीपीयूपी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए उन सब के लिए। देखो, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपीजीपी वाले मैथ्स के चैप्टर में, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर चलता रहेगा, और a इंटू आर इज फॉर n माइनस वन, a इंटू आर इज फॉर n, और इस तरह से आगे कंटिन्यूड रहते हैं। अब अगर आप n टर्म्स की बात करो तो पहली टर्म a मतलब a इंटू आर इज फॉर जीरो एक टर्म होगी, r इज फॉर वन आई तो दो टर्म होगी, r इज फॉर टू आई तो थ्री टर्म्स होगी, तो r इज फॉर n माइनस वन आई, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे ये n टर्म्स हो चुकी हैं। अब अगर मैं इसके सम की बात करूं, जीपी के सम की, क्योंकि कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस में जरूर पड़ेगी इन चीजों की, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कंटिन्यूड अप टू ए इंटू आर इज फॉर एन माइनस वन, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का सम होता है ए इंटू आर इज फॉर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस, या फिर आप माइनस कॉमन ले लें ऊपर नीचे से, तो a इंटू वन माइनस आर इज फॉर n अपॉन वन माइनस आर, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें एक स्पेशल केस क्या है कि इफ देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स, if there are infinite terms and modulus of r is less than 1, is a common ratio है ये minus 1 से और 1 के बीच में हो, चाहे negative हो चाहे positive हो, लेकिन एक से बड़ा ना जाए ना उधर ना इधर, तो modulus of r is less than 1, तो उस केस में infinite terms का sum हो जाता है a upon 1 minus r। ये दोनों formula आपके series combination के questions में use होते हैं। जैसे मैं पहला सवाल बोल दूं जो आपके पिछले सीपीपी में एक ही सवाल हमने छोड़ा था जो डिस्कस नहीं हुआ था, एक मिनट में देखता हूं मेरे पास होगा शायद सीपीपी, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया उसका। हाँ जी, ये है आपका सीपीपी 15 का क्वेश्चन नंबर 6, पहले मैं उस पर आता हूँ, सीपीपी 15 का क्वेश्चन नंबर 6। भाई जीपी की ये चीजें यूज होती हैं इनमें, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इन तरह के क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट निकालने वालों में, पहले तो मैं आपको ये यूज करूंगा फिर ये यूज करूंगा। तो पहला मैं ले रहा हूं सबका, कल का एक पेंडिंग क्वेश्चन था, एक ही बचा था मेरा उसका, सीपीपी नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर इज 6, सीपीपी नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखता है ये, इसमें दिया है
एन मेटालिक प्लेट्स, अब ऐसे ये कैपिटल एन लिखा है, आप स्मॉल एन मान लो क्योंकि आगे जहां पे ये बाकी हर जगह स्मॉल एन ले रखा है, ठीक, कैपिटल एन की वजह स्मॉल एन ही है। एन मेटालिक प्लेट्स आर प्लेस्ड फेस टू फेस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज डी, किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, एरिया ऑफ प्लेट्स आर ए, देखो ये पहली प्लेट है जिसका एरिया है ए, अगली प्लेट का एरिया इससे आधा हो गया ए बाई टू, सेपरेशन डी है, अगली प्लेट का एरिया इससे और आधा हो गया ए बाई फोर, सेपरेशन अभी भी डी है, तो इस तरह से एरिया कम होता गया और जो लास्ट प्लेट दी है ए अपॉन टू रेस्ट पावर एन माइनस वन, ये आखिरी प्लेट का एरिया दिया गया है ए अपॉन टू रेस्ट पावर एन माइनस वन, ए अपॉन टू रेस्ट पावर एन माइनस वन, माइनस वन ऊपर ही दिए क्वेश्चन में। अब देखो क्या ये एन प्लेट्स होगी, हम देखते हैं एक बार, यहां देखोगे यहां ए के नीचे ओनली वन है, यहां ए के नीचे टू है, अगर मैं इनसे कंपेयर करूं यहां पे मैं क्या रखूं एन की वैल्यू कि ये टू बचे, इस जगह अगर मैं देखता हूं तो एन की वैल्यू टू है, देखो एन अगर आप टू रखते हो टू माइनस वन वन तो ए बाई टू, यहां देखिए एन की वैल्यू वन है, एन अगर मैं उसमें वन रखूं वन माइनस वन जीरो, टू की पावर जीरो आपका वन है, यहां अगर आप देखेंगे एन की वैल्यू थ्री है, थ्री टू रेस पावर थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो टू रेस पावर टू फोर, यानी कि एन बराबर वन है तो ये बना, एन बराबर टू है तो ये बना, एन बराबर थ्री है तो ये बना, तो इसमें तो एन बराबर एन है ही, ये दिख रहा है, मैं यहां पे इस जगह में प्लेस करता जा रहा हूं, इस जगह एन वन रखा तो ये बन गया, एन टू रखा तो ये बन गया दूसरी प्लेट, एन थ्री रखा तो ये बन गया, यानी कि एन रखा तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल एन प्लेट्स, आप क्वेश्चन में कैपिटल एन लिखा है लेकिन उसे आप स्मॉल एन ही मानिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक के बाद एक रखी हुई है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, मान लो इस सिस्टम में ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, एक के बाद एक एंड टू एंड कैपेसिटेंस जुड़े हैं, ये एक कैपेसिटेंस है, ये प्लेट दोनों में कॉमन होगी इधर भी, ये प्लेट दोनों में कॉमन है इधर भी, तो ये सारे सीरीज का ही ये निशानी है कि बीच में कोई ब्रांच नहीं बढ़ रहे, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, सबसे पहले पहला ये C1 अगर मैं लिखता हूं, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी प्लेट्स का एरिया छोटा बड़ा हो तो कॉमन एरिया लिया जाता है, तो A और A by 2 का कॉमन एरिया है A by 2, तो C1 आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू A by 2 डिवाइडेड बाय D, C1 आया एप्सिलॉन नॉट A by 2 D। अच्छा, ये जो प्लेट है बीच वाली प्लेट, जब भी कभी एक प्लेट दो कैपेसिटर्स में इन्वॉल्व हो तो आप उसे एच शेप में ब्रेक कर लिया करो, वो कैपेसिटेंस का सिंबल बनाने के लिए कि भाई इधर भी है और उधर भी है, तो मैंने इसको एच की तरह दिखाया कि भाई ये जो प्लेट है मेरी ये इस साइड भी थी और ये प्लेट उस साइड भी है, दोनों साइड हमने दिखा दी। ये अगला कैपेसिटेंस C2 क्या बनेगा, देखो A by 2 और A by 4 का कॉमन एरिया है A by 4, तो C2 बनेगा epsilon naught A by 4 D, पहला कैपेसिटेंस ये बना, दूसरा कैपेसिटेंस ये बना, इस तरह से अगर आप बढ़ाते चलोगे आखिरी कैपेसिटेंस क्या बनेगा, आखिरी कैपेसिटेंस देखो सबसे लास्ट एरिया सबसे छोटा होगा A upon 2 raised power n minus 1, इधर वाली प्लेट का एरिया थोड़ा बड़ा होगा ये उसका आधा है तो ये लिया जाएगा, तो आखिर में आना है जो लास्ट कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू रेस्ट पावर एन माइनस वन डी। पहला और दूसरा देखो, अगर ये तीन प्लेट होती तो दो कैपेसिटर बनते, दो, चार प्लेट होती तो तीन कैपेसिटर बनते, पांच प्लेट होती तो चार कैपेसिटर बनते, तो एन प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, एन माइनस वन, तो जो आखिरी कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी सी एन माइनस वन,
एन प्लेट से, क्योंकि दो प्लेट से एक कैपेसिटर बनता है, तीन से दो बनते हैं, तो एन प्लेट से एन माइनस वन आपके कैपेसिटर्स बन गए। अब देखो ये सारे सीरीज में है, भाई मैं इसको हटा देता हूँ ये डायग्राम, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब आप ये देखिए कि ये सारे के सारे सीरीज में लगे हैं, अगर ये सारे सीरीज में लगे हैं तो सी इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई सी वन, वन बाई सी वन करो तो टू डी ऊपर गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस वन बाई सी टू, वन बाई सी टू किया तो फोर डी ऊपर गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट ए चलता रहेगा, आखिर में टू रेस्ट पावर एन माइनस वन डी ऊपर गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब हमें जस्ट एक सीरीज की तरह इसे सोल्व करना है, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सम में से 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए तो हर एक टर्म में से कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां देखूं 1 अपॉन c इक्विवेलेंट 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हर एक प्लेट में से कॉमन आया, पहली प्लेट में बचा 1, मतलब पहली टर्म में, सॉरी प्लेट में कहां कॉमन आया, हर टर्म में से कॉमन आ रहा है, पहली प्लेट में 1, दूसरी प्लेट में 2, इस तरह से चलता रहेगा। अगर अगली भी प्लेट होती तो उसमें बचता 4, क्योंकि वहां 8 आना था, तो इस तरह से ये चलेगा। और आखिरी प्लेट में आप देखो एक 2 आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा एक n में से 2 पावर, एक पावर और घटा दीजिए, ये बचा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, ये चलता रहना है पूरी की पूरी सीरीज। अब आपको इनको ऐड करना है, आप कैसे भी इस चीज को ऐड कर सकते हैं, ये देखिए ये आया 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। सबसे पहले तो सीरीज पहचानो कि ये सीरीज कौन सी सीरीज है, 1 प्लस 2 प्लस, ये सब चलता रहेगा। आप और भी अगर मन करे और भी कुछ इसमें से कौन ले सकते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ो उस चीज को। ये सीरीज कौन सी है, दिस इज ap और gp। ap में क्या होता है कि डिफरेंस सेम चलेगा, यहाँ दो और एक का डिफरेंस एक है लेकिन यहाँ डिफरेंस दो हो गया, चेंज हो गया। जीपी में रेशियो सेम चलेगा, 2/1 2, 4/2 2, यानी कि सारे के सारे रेशियो सेम आ रहे हैं। तो अगर इसकी मैं बात करूं, ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए 1 है एंड कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज 2। अब अगर आप इसका सम लिखें पहले तो ये पहचाने कि ये टर्म्स कितनी है। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि टर्म्स कितनी है। देखो n की जगह 1 रखा, सॉरी n की जगह 2 रखा तो ये टर्म आती है, शुरुआत यहां से होती है, n की जगह 2 रखने पे ये वाली टर्म आएगी। n की जगह अगर आप 2 रखते हो तो ये वाली टर्म बनेगी, यानी कि शुरुआत 2^0 n बराबर 2, n की जगह 3 रखोगे तो ये वाली टर्म बनेगी, n की जगह 4 रखोगे तो ये वाली टर्म बनेगी, तो n बराबर 2, 3, 4, और ये n की जगह n है ही लास्ट में, तो आपकी फर्स्ट टर्म से 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कि ये टोटल जो टर्म्स हैं दीज आर टोटल n माइनस 1 टर्म्स, ये जो आपकी टोटल टर्म्स आई दीज आर n माइनस 1 टर्म्स। अब जीपी का सम, हमने फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी ए इंटू आर रिस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर टू है तो 2 - 1 तो 1 हो गया, अगर हम ये सम करें तो 2 - 1 नीचे तो यह है, ऊपर ए फर्स्ट टर्म दैट इज अगेन 1, r रेस्ट पावर n, r आपका कितना है 2, n नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n माइनस 1, तो 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, क्लियर, r रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये आपका सम निकल के आया जीपी का, नीचे बच गया 2 - 1 यानी कि 2। तो ये देखो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट ये आ रहा है 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, हमने gp का सम किया 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस 1 ये आया।
आपके जो ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में, जिस तरह से ऑप्शन दिखाए थे उसमें एप्सिलॉन ए बाई डी बार है, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया डी अपॉन एप्सिलॉन ए, टू अंदर मल्टीप्लाई होने गया टू रेस्ट पावर वन इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन, और माइनस टू इंटू वन आपका है टू, दिख रहे हैं बोर्ड पे इस पे स्क्रीन पे आपका, हाँ जी ठीक है, टू रेस्ट पावर टू और टू बेस से ना तो पावर एड हो जाएगी, तो ये आया डी अपॉन एप्सिलॉन ए टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस वन टू रेस्ट पावर एन माइनस टू, ये आपका ऊपर बचा, और ये तो आया है वन अपॉन सी इक्विवेलेंट। अगर आप यहां से सी इक्विवेलेंट लिखेंगे इस पूरे अरेंजमेंट का, अगर आप सी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो मैं यहां लिखता हूं फाइनली सी इक्विवेलेंट जो आया दैट इज एप्सिलॉन ए अपॉन डी इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस टू। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे एक बार आप वीडियो पॉज करके रोके और फिर समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ्स तो है जीपी, लेकिन ये ऐसा मैथ्स है जो टेंथ तक भी आप सीख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बारी इलेवंथ की ही जरूरत है। हाँ जीपी वगैरह मुझे नहीं पता टेंथ में कितना था कितना नहीं, बट हमारे टाइम पे तो भाई टेंथ में जीपी नहीं आया करते थे, हो सकता है अब शायद कुछ थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, सिलेबस में भी आ गया होगा, वैसे एनटीएससी के लिए भी पढ़ लेते हैं, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। ये हमने इसका फॉर्मूला, अच्छा ये जो आंसर है आपका ऑप्शन बी बन रहा है इसमें, आप अपने उस सीपीपी में देखेंगे पिछले वीडियो लेक्चर के साथ, वो एक दो लेक्चर पहले वो हमने असाइन भी किया था उसके साथ ही लिंक में, तो ये हमने सीखा कि किस तरह से जीपी के फॉर्मूले यूज हो जाया करते हैं अगर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है उसमें। अब एक चीज और अगर हम देखें, एक फॉर्मूला और रह गया सीरीज के लिए, कौन सा, जो इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला है वो, अगर इनफाइनाइट टर्म्स को यूज करवाना हो कहीं, अगर मान लो आपको इनफाइनाइट टर्म्स दी गई है, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स दिए गए हैं, तो उसको हम कैसे कहां पे यूज कर सकते हैं उसके लिए भी देखिए, ये आ गया ना समझ में, मैं हटा देता हूं आखिरी काम इस सीरीज वाले लेक्चर का ले रहे हैं हम ये यूज करना चाह रहे हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज ए अपॉन वन माइनस आर इफ मोड ऑफ आर इज लेस देन वन, इस तरह का कुछ है। सपोज मान लो आपको यूं दिया जाए, ये पहला कैपेसिटेंस है वन माइक्रोफेराड, ये अगला कैपेसिटेंस है, हमें एक सीरीज बनानी है, बट इस तरह की सीरीज बनानी है कि कॉमन रेशियो लेस देन 100, 4 माइक्रोफेराड, अगला कैपेसिटेंस है 16 माइक्रोफेराड, अगला कैपेसिटेंस है 64 माइक्रोफेराड एंड कंटिन्यूड अप टू इंफिनिटी, बस ये बहुत सारे दे दिए, ये एक एंड है और एक एंड लास्ट में जाके है एंड बी, लास्ट तक ये दे दिए, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड दूर वाला पॉइंट बी, बहुत ज्यादा है। तो देखो ये सारे सीरीज में कोई ब्रांच है नहीं, कोई ब्रांच अगर नहीं है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन सी इक्विवेलेंट वन बाई सी वन वन बाई सी टू वन बाई सी थ्री वन बाई सी फोर और ये चलता रहेगा, आप फिर से पहचान लो जीपी, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म किया तो वन बाई फोर, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म करेंगे थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म वन बाई सिक्सटीन अपॉन वन बाई फोर तो ये भी वन बाई फोर, ऐसे अगला भी आएगा वन बाई फोर, यानी कि हर बार अगर आप देखोगे तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलो और अगली टर्म आ रही वन बाई फोर वन बाई फोर। तो इस सीरीज में ये जो सीरीज है जैसे जीपी ए है वन, कॉमन रेशियो है वन बाई फोर, कॉमन रेशियो जो आया उसका मॉडुलस लेस देन वन है, मतलब माइनस वन से वन के बीच में है, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो ए अपॉन वन माइनस आर, ए आपका कितना है वन अपॉन वन माइनस आर, आर कितना है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म वन बाई फोर, तो दिस इज वन अपॉन फोर माइनस वन थ्री बाई फोर,
4 ऊपर गया तो ये आया 4/3, ये ऊपर जाके ये आपका आ गया 4/3, यानी कि ये जो पूरी टर्म है दिस इज 4/3, तो 1/C equivalent comes out to be 4/3, और यू कैन से सी इक्वलेंट कम्स आउट टू बी 3/4 microfarad। और आप एक और चीज देखो, सबसे छोटे से भी छोटा है, सबसे छोटा सी मिनिमम सबसे छोटा इसमें 1 था, और ये जो सी इक्वलेंट आया ये उससे भी छोटा है। तो भाई ये जो मेरा लेक्चर था, ये पूरा का पूरा हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही ले रहे थे। आखिर में मैंने आपको जीपी के फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, एक एन टर्म्स वाला वो पिछले सीपीपी में दे दिया, और एक इनफाइनाइट टर्म वाला तो कुछ भी हो सकता है, 1, 4, 16, 64 भी हो सकते हैं, 1, 2, 4, 8 यूं भी चल सकते हैं, 1, 3, 9, 27 कुछ भी चल सकते हैं, बस वो मल्टीपल चलना चाहिए, और इस तरह चलना चाहिए कि जब वो सीरीज बने तो जो आर आए वो एक से छोटा हो। देखो यहाँ तो मल्टीपल लग रहा है बड़ा है, 1, फिर 4, फिर 16 मल्टीपल 4 है, लेकिन फॉर्मूले में जो सीरीज बनेगी वो छोटी बनेगी। अच्छा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ये सब फॉर्मूले सीरीज वाले केवल तभी लगेंगे जब कनेक्शन से पहले कैपेसिटर अनचार्ज हो, बाद में चाहे आप बैटरी लगाओ। अब जो अगला लेक्चर हमारा वो पैरेलल पे लेंगे, और फिर अगर चार्ज कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे फिर उसके बाद उस पर चलेंगे। ठीक है, अब गुड नाइट, सोते हैं, कल आगे अगला लेक्चर लेंगे। गुड नाइट।